हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यहाँ फिरौती के लिए एक 14 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। मामला यूपी के गोरखपुर का है। वहीं गोरखपुर का जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र है, यहाँ पर पांचवी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बलराम की गला दबाकर निर्मम हत्या की गई है। अपहरणकर्ताओं ने परिवार वालों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी और रुपए नहीं देने पर बच्चे को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 28 घंटे में घटना का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया, लेकिन मासूम की जान नहीं बचा सके। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 14 साल के एक बच्चे की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। माँ पूछ रही है किसे गोद में लूंगी, तो बहन पूछ रही है कि अगले हफ्ते रक्षाबंधन पर किसके हाथों में राखी बांधूंगी। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। परिवार की हालत बहुत खराब है। 14 साल के एक मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी गई 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए। फिरौती मांगी गई थी, फिरौती नहीं देने पर अपहरणकर्ताओं ने निर्मम हत्या 14 साल के बच्चे की कर दी। सबसे दुखद ये है कि माँ ये पूछ रही है रो रो कर कि अब किसे मैं अपनी गोद में लूंगी, और बहन कह रही है कि अगले हफ्ते जो रक्षाबंधन आने वाला है, जिसके लिए भाई के लिए राखी खरीदी थी, भाई की पूजा करनी थी, आरती उतारनी थी, अब क्या हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। रणवीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पाया इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की घटना हुई और लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। कानपुर में बिकरू कांड के बाद कानपुर में अपहरण कांड, फिर गोंडा में अपहरण कांड और उसके बाद गोरखपुर में, तो लगातार एक के बाद एक आखिर क्यों अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, और ये गोरखपुर में एक बच्चे की हत्या जो हुई है ये बड़ा सवाल उठाती है। भले ही 5 लोग गिरफ्तार किए गए हों, लेकिन बड़ा सवाल कि 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद या गिरफ्तारी से उस बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता है, तो ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और आखिर अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब फिलहाल मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद के अलावा ये कहा है कि इनके ऊपर एनएसटी लगाया जाएगा, यानी रासुका लगाया जाएगा, और साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यूपी पुलिस लगातार फेल एक तरह से होती जा रही है। गोंडा का मामला छोड़ दीजिए, तो कानपुर में भी जिस तरह से 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम देने के बाद भी बाद में हत्या कर जो डेड बॉडी है वही परिवार को मिलती है, तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस पर अपराधी जो है वो चुनौती दे रहे हैं और घटनाएं घटित हो रही हैं। जी बिल्कुल, और अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं। लगातार एक पर एक घटनाएं हो रही हैं, लगातार 3 अपहरण की घटनाएं हुई हैं। अरे अमर बबुआ कब है तू? अरे अमर बबुआ के लड़के के देख ले बा। ये रे माई घर पर में तो बात की कर दिया था।